मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है और बजट को लेकर आम लोग सहित गृहिणियों की क्या सोच है हमें यहाँ पर जानेंगे। इस वक्त हम एक परिवार में हैं जहाँ पर अभी खाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आंटी से पूछते हैं, आंटी बजट को लेकर आप कितनी उम्मीदें जता रही हैं कि किस तरह का जो बजट है किस तरह का रहेगा और क्या आम हित और परिवार के हित वाला होगा? सरकार से, स्टेट सरकार से हमको यही आशा है कि अच्छा बजट आए, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की जो गृहणियाँ हैं वो चलाती है घर मुश्किल से, तो उनके हिसाब से बजट आए तो बहुत खुशी होगी। और बजट का वो तो अब सरकार को सोचे तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो बजट आएगा वो गृहणियों के लिए और परिवार के हित वाला होगा ताकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगाई से राहत मिल सके। जी, बजट को लेकर आप क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं आप? हमारा यही सोचना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बजट में कोई कर नहीं बढ़ाया तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं बढ़ाए जिससे महंगाई और ना बढ़े। ऐसे भी सब चीज के दाम तो बढ़ रहे हैं, चाहे गैस हो चाहे फीस हो, सबके बढ़ी रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सरकार अभी कोई एक्स्ट्रा कर ना लगाए जिससे महंगाई ना बढ़े। जी बिल्कुल, यही उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई ना बढ़े। जी आप वर्किंग है या आप गृहिणी है? मैं अभी तक तो वर्किंग थी बट अभी रेस्ट कर रही हूँ, मैटरनिटी लीव पर हूँ तो अभी तो घर का काम कर रही हूँ। जी, बजट को लेकर आप क्या सोचती है, क्योंकि घर को मैनेज करना काम करना दोनों ही थोड़ा सा टफ हो जाता है महिलाओं के लिए, तो आप क्या सोचती है कि कैसा बजट होना चाहिए? बजट ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि गृहिणी एक ऐसी लेडी होती है जो मतलब बाहर का भी देखती है घर का भी देखती है, घर में जो भी सामान आ रहा है वो सब चीज़ें भी लेडीज को ही मेंटेन करके रखनी पड़ती है, कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कटौती भी करनी पड़ती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा राहत मिले, कोई चीज़ अगर नहीं घटी जाए तो बड़े भी नहीं। जी, संयुक्त परिवार में है आप, घर में बच्चे भी हैं, तो किस तरह से मैनेज करना पड़ता है चीज़ें सारी? अब देखिए अभी कोरोना था तो कोरोना के कारण काफी कुछ असर पड़ा है, धंधे पर भी असर पड़ा है, नौकरियों में भी कई लोगों की तो नौकरी चली गई। तो हम चाहते हैं कि कोरोना धीरे धीरे जैसे जा रहा है वैसे वैसे महंगाई दर भी नीचे आए, महंगाई भी जाए और हम लोगों को बहुत राहत मिले, क्योंकि पढ़ाई में भी अब अभी तक तो हम लोगों को छूट थी बच्चों की फीस वगैरह में, बट अब कोरोना नहीं है तो फिर फीस में भी अब स्कूल वाले भी नहीं कम करेंगे, वो भी बढ़ाएंगे, फीस भी बढ़ेगी। और सब्जी हो गई, फल फ्रूट हो गए, दूध हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं घर की जो बहुत ज़रूरी हैं, छोटी हैं पर बहुत बहुत खास इम्पोर्टेंट होती हैं घर में, तो इनके दाम में कमी हो और इसी तरीके से कम होता जाए तो हमारा बजट मेंटेन हो जाए। अगर राहत मिलेगी तो निश्चित ही परिवार भी आगे बढ़ेगा और जो महिलाएं उम्मीद कर रही है कि चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा हो बच्चों की या फिर अन्य कोई चीजें हैं, उसमें राहत जरूर मिलेगी। इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से नाज पटेल। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उस बजट में क्या प्रावधान है उनके लिए, क्या सहूलियत हो मध्य प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों के लिए अपने बजट में क्या प्रावधान रखा? हमारे साथ एसटी कॉलेज के स्टूडेंट मौजूद हैं, क्या चाह रहे हैं बजट आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे शिक्षा से रिलेटेड जो भी बजट हो वो मतलब दोगुना हो जाना चाहिए जी, और शिक्षा जो मतलब गरीब बच्चों तक है वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। जी जी, क्या चाहेंगे यानी सरकार से क्या कहना चाहेंगे बजट में बच्चों के लिए? क्या सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो बजट आएगा उसका सदुपयोग किया जाए, कैंपस में जहाँ जो मतलब चीज़ें फैसिलिटीज पूरी पूरी नहीं है किसी कैंपस में वो होनी चाहिए बच्चों को, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि एजुकेशन फैसिलिटी और अच्छी करनी चाहिए। दो साल कोरोना काल में निकले आप लोगों की, अब पढ़ाई शुरू हुई है, एग्जाम भी बजट आ रहा है, यस सर क्या चाहेंगे? तो सर बजट तो बढ़ना चाहिए, जैसे दिल्ली सरकार का है तो उनका 100 में से 1/4 है, तो मध्य प्रदेश का इतना नहीं है, क्योंकि वो भी हाई लेके जाना चाहिए, तो बजट को डेफिनेटली बढ़ना चाहिए और जो कैंपस वगैरह हैं कॉलेज कैंपस वगैरह जो फिर उससे ऑन हो रहे हैं उनमें और सुधार होना चाहिए। क्या चाहेंगे आप सरकार? यही चाहेंगे कि बजट बढ़े और जैसे कि एकेडमिक सेशन हो गया अपना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गई वो भी बढ़ना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। सरकार बजट में ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के लिए मतलब एकेडमिक में और ज्यादा ध्यान दिया जाए, कुछ कुछ कॉलेजेस में एकेडमिक में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, फालतू के इंजीनियरिंग कॉलेज और खुले हुए हैं,
वो कुछ ऐसा डिबेट नहीं कर रहे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। फैसिलिटीज हो गई, एकेडमिक पे ज्यादा ध्यान दे, कंपनीज की रिक्वायरमेंट पे ज्यादा ध्यान दे, बस यही है। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि बजट में उनके लिए व्यवस्थाएं की जाए, शैक्षणिक संस्थान में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वे उनकी पढ़ाई पर कोई ज्यादा असर ना पड़े। स्टूडेंट कह रहे हैं कि फीस कम करना चाहिए सरकार को ताकि उनको राहत मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज विदिशा। व्यापारियों को तो सब चीज की राहत चाहिए थी, अभी मार्केट बहुत मंदी है, व्यापारियों को तो बहुत सारे चाहिए, जैसे सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता, ना सब्सिडी मिलती है ना कुछ मिलती है, कि व्यापारी लोग टैक्स पटाते रहते हैं और भी जो भी प्रेशर है सब व्यापारियों के ऊपर है। तो बजट में ये अपन उम्मीद करते हैं कि महंगाई का थोड़ा सा कंट्रोल हो और क्या बोलते हैं पेट्रोल डीजल का रेट थोड़ा कम हो, उससे क्या महंगाई पर कंट्रोल होता है। मेन तो पेट्रोल डीजल है और अधिक महंगाई के कारण सिर्फ पेट्रोल डीजल ही रहता है, तो अपन चाहते हैं पेट्रोल डीजल का रेट थोड़ा कम हो जाए, गैस का कम हो जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। पेट्रोल डीजल से ही तो हर चीज़ की महंगाई है, चाहे सब्जी का आवक हो या दूध का हो, जैसे मेरी चाय की दुकान है, कोई भी चीज़ हो पेट्रोल डीजल से ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? वही कहते हैं भाई, ठंडा लगे कैसे रहे कम से कम थोड़ा हो, धंधा वैसे ही डाउन हो गया। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से सुखद और अच्छा बजट होगा, पर दुर्भाग्य की बात है कि जैसा कहा जाता है कि जीएसटी से लेकर तमाम कर जो केंद्र सरकार रोक कर रखी हुई है, उससे विकास कार्य भी रुका हुआ है, बहुत से कार्य जो होना चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार को बड़ा दिल करते हुए जो उसके हक का अधिकार का पैसा है राज्य सरकारों का, उसको देना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर जो सरकारें हैं राज्य सरकार और स्थानीय सरकार अपना काम जनता के हित में कर सके। बघेल जी से क्या उम्मीद है? बघेल जी से उम्मीद है सर कि अभी पुराने जो दो तीन बजट उन्होंने पेश किए किसानों के हित में था, हम चाहते हैं कि व्यापारियों के हित में भी हो, क्योंकि कोरोना कार्यकाल में व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो उनके लिए राहत के लिए कोई बात होनी चाहिए। विगत दिनों पूर्व केंद्र सरकार से जारी हुए बजट को शून्य करार देते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि यह जो बजट है केंद्र सरकार की, यह मजदूर महिला किसान और कर्मचारियों के हित में नहीं है, और इसी को देखते हुए सोमवार को 7 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल की सरकार 7 मार्च को बजट पेश करने जा रही है। हमारे साथ पखांजूर के कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अपेक्षाएं जो हैं वो इस बजट में सरकार से रखते हैं। 7 मार्च को बजट पेश होने जा रहा है, आप युवाएं क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं? जी, प्रदेश सरकार के जो बजट पेश होने वाला है इसमें हम युवाओं को इतने अपेक्षा है कि प्रदेश सरकार उनके किया हुआ वादा को पूर्ण करे। ये बेरोजगारी भत्ता जो देने का बात किया था आज 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है, किसी भी युवाओं को इस प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, उन बकाया बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान इस बजट में लाए, और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेरोजगार है उनको रोजगार देने की जो बात की थी, वादा किया था, ऐसे वादा को जल्दी से जल्द पूरा करें। सरकार से इस बजट के माध्यम से जो आने वाले बजट है, इस बजट में ऐसा युवाओं के लिए सोचे, बजट में पारित करें, ऐसा अपेक्षा करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बजट में भी युवाओं के साथ न्याय करेगा, मगर फिर भी एक आस तो युवाओं को है इस प्रदेश में कि हो सकता है कि आने वाले बजट में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।